भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, आज मैं आप लोगों को इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं एज बायर वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि बिल जनरेट कर देते हैं सेलर, फिर आपको उसका पेमेंट के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्स में जाना है, प्रोसेस बिल्स। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, आपने क्या चूज किया है। जैसे कि मैंने अदर्स चूज किया है, तो अदर्स के लिए मैं देखता हूँ। तो मेरा 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच देखता हूँ कौन से बिल पेंडिंग है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसका बिल पेंडिंग है, तो 100 बिल्स। मैं इसको प्रोसेस कैसे करूँ, तो यहाँ पे मेरा पेमेंट अभी स्टेटस पेंडिंग है, प्रोसेस बिल्स। यहाँ पे प्रोसेस बिल करूंगा, यहाँ पे फाइनेंस अप्रूवल, सैंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कंसाइन रिसिप्ट, सब कुछ यहाँ पे आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। ये आपके फाइलिंग पर्पस के लिए जरूरी है। ये आपको सब इसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। इस तरह से आएगा आपका सेलर इनवॉइस, तो सेलर का इनवॉइस होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। आप देख सकते हैं कैसा सेलर का इनवॉइस बना है, इनवॉइस वगैरह ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। ये होने के बाद आपको यहाँ पे विद डिडक्शन कुछ डिडक्ट करना है क्या, डिडक्ट करना है तो यस करेंगे। एड डिडक्शन कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे डिडक्शन के दे देता हूँ। अदर्स कितना अमाउंट, तो मैं 75 डिडक्शन कर देता हूँ। रीजन टाइमली एड डिडक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज इसको नो भी करेंगे तो पूरे के पूरे पेमेंट के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। सेव या ड्राफ्ट बिल हो गया, एडिट कर सकते हैं या सबमिट बिल, हमको मुझे सबमिट करना है तो सबमिट कर दे सकते हैं। बिल सबमिट है। अब यहाँ पे रेटिंग भी आप दे सकते हैं, जो आपके बायर्स को रेटिंग क्या देने का है, हाईली सेटिस्फाइड, रीजन, टाइमली डिलीवरी, सबमिट, क्लोज इट। हमने इसको सबमिट सक्सेसफुली कर दिया, ये विंडो को क्लोज कर देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पे आपका ये सेव फाइनल बिल, आप सेव कर सकते हैं इसके फाइनल बिल को। फाइनल बिल सेव्ड एंड अप्रूव्ड, सबमिट फॉर ऑफलाइन पेमेंट। यदि आपको पेमेंट करना है तो आप इसको ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बिल एक्शन री एडिट, यदि आपको फिर से एडिट करना है बिल को तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज सबमिट ऑफलाइन पेमेंट, आप कैसा करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, चेक, अदर, कैसे जैसे करना चाहते हैं। अदर से इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। चेक से करना है तो चेक के यूज कर सकते हैं। डीडी से डीडी, एनएफटी, जैसा आप पेमेंट करना चाहते हैं वैसा। वाउचर नंबर ये मैंडेटरी नहीं है सर। ट्रांजेक्शन नंबर, आपका ट्रांजेक्शन नंबर क्या होगा, कौन से डेट को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और पेमेंट के लिए रिमार्क्स कुछ डालना है तो मैं तो इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए पेमेंट अप्रूव्ड हो गया, ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस। तो ये आपका पूरा डिटेल्स सबमिट हो गया, स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। जैसे यह पेमेंट के लिए प्रोसेस है, राइट, पेमेंट आपका हम ला रहा कंसाइनी की तरफ से कर दिया। अभी सेम यही आपको ऑप्शंस आपको जनरेट कर रही है, आपको खोलना पड़ेगा पीएससी के पास, वो उसके पास अभी ये बिल दिखना चालू हो जाएगा। जैसे पीएससी के पास देखेंगे तो आप पेमेंट का डिटेल्स, यहाँ से आपको पेमेंट करने का ऑप्शंस मिल जाएगा। व्यू पेमेंट डिटेल्स यदि आप देखना चाहते हैं, यहाँ से फिर से आप पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं।